तो ये अब मैं आलू को पहले स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ, लेकिन ये हिस्से हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम अलग से फ्राइज बना लेंगे और इसके आप लेयर्स करके इस तरह से ये आपकी डिजायर्ड शेप बन गया। अब ये जो कटे हुए फ्राइज हैं ये हमने उस ठंडे पानी में डाले हैं और ये देखिए पानी का आपको कलर दिखाई दे रहा है, ये हमें तब तक वॉश करते रहना है, रिंस करते रहना है जब तक ये पानी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, वो मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखा रही हूँ। सो ये देखिए तीन चार बार रिंस करने के बाद पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अब इसमें दोबारा से हम थोड़ा सा लाइम डालेंगे और अब हम इस बोल को रख देंगे 10 to 15 minutes रेफ्रिजरेटर में। तो ये फ्रिज से निकाल के मैंने पूरा पानी जो है वो छान दिया है, लेकिन ये जो थोड़ा थोड़ा पानी बचा है हमें ये भी इस पे नहीं चाहिए, तो हम इस तरह से पूरे आलू को जो है डैप कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो अच्छी तरह से ऑयल गरम हो जाना चाहिए, जैसे कि ये हो गया है, मैंने नॉर्मल सफोला ऑयल लिया है, आप कोई भी ले सकते हो। और इसमें ये जो फ्राइज हैं यहाँ डाल देंगे। तो ये आपका फर्स्ट फ्राई है, ये देखिए इतना ही फ्राई होगा एंड आपको इसे स्ट्रेन करके निकाल लेना है पूरे को, और इसके बाद हम इसे डीप फ्रीज में डालेंगे। तो ये जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है मैं डैप कर रही हूँ और मैं 10-15 मिनट इसे बाहर रखूँगी ताकि रूम टेम्परेचर हो जाए, अभी ये बहुत गर्म है, और उसके बाद इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी फॉर 15 minutes to half an hour। तो अब ये आधा घंटा मैंने फ्रीज़र में रखे थे और तेल एकदम बॉइलिंग हॉट हो चुका है, तो अब मैं ये सेकेंड फ्राई है जो कि फाइनल फ्राई है और आपके फ्रेंच फ्राइज का फाइनल स्टेप है, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। फाइनली आपके फ्राइज हो गए हैं, हाई फ्लेम पे करना होता है सेकंड फ्राई, बहुत जल्दी हो जाता है, मुश्किल से 30-40 सेकंड। थोड़ा सा सॉल्ट, मेरे फ्राइज तो रेडी हैं। अब मैं पूरा प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो अब आप जाइए और फ्राइज बनाइए, और हाँ बनाएंगे तो उसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, आई मीन जब आप पोस्ट करेंगे तो मुझे टैग जरूर कीजिएगा, मैं भी तो देखूं कैसे बना रहे हो।